नर्सरी से जो हम गुलदावरी के पौधे लेकर के आते हैं उनको किस तरह से हमें लगाना है, पॉली बैग से कैसे निकालना है, मिट्टी का क्या रेशो रखना है, कितनी रेंज में हमें नर्सरी पर इस टाइम पर प्लांट मिल जाएंगे गुलदावरी के, ये आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो गुलदावरी के प्लांट आपको इस तरह के सस्ते मिलते हैं जो सिंगल ब्रांच वाले आते हैं। ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हो गुलदावरी का, जिसपे बड़े फूल आएंगे उसकी कलियां बड़ी होती हैं, इस तरह से बड़ी बड़ी कलियां होंगी, उनपे बड़े साइज के फूल आते हैं और बंचेस में इसमें फ्लावरिंग होती है। जब आप फर्स्ट ईयर इसको लगाते हो तो छोटे पॉट में ही लगाएं, और ये प्लांट आपको ज्यादा कॉस्टली नहीं मिलेंगे जो सिंगल ब्रांच वाले होंगे। ये पौधे मैंने तो 10 रुपए के खरीदे हैं नर्सरी से, तो इतने में आपको इजीली मिल जाएंगे इस टाइम पर नर्सरी में। गुलदावरी का पौधा हैवी ब्लूमिंग करता है, बहुत बंचेस में इसमें फ्लावरिंग होती है, एक फूल इसका 1 महीने तक टिका रहता है, और जब बहुत सारे फूल इसमें खिलते हैं तो गमला पूरा भर जाता है आपका। मैं इस वाले पॉट में इसको लगाऊंगी। मिट्टी का क्या रेशो रखना है, इसमें आपको 50% नॉर्मल गार्डन सोइल लेनी है, बाकी की आपको इसमें 30% कंपोस्ट ऐड करनी है, और बाकी का 10-20% आप इसमें सैंड यूज कर सकते हो। तो इस तरह से गमला फिल कर लेना है आपको, और इसको लगा के देखना है कि कहाँ तक आपका प्लांट सही से आ जाएगा। तो मिट्टी ज़्यादा हो गई है तो हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। पॉलीथीन को इस तरह से पकड़िए, यहाँ से प्लांट की जो जड़ है इसको पकड़िए, मिट्टी नहीं निकलेगी, और इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींच देना है, इजिली ये पॉलीथीन बाहर निकल आती है। अगर आप इस तरह से नहीं निकाल पाते हो तो कैंची से इसको कट करके भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से मैंने अपना प्लांट लगा दिया है, और इसको ऐसे रख देना है सेंटर में, और फिर इसमें मिट्टी भर लेनी है। इस तरह से आपका पौधा लगकर तैयार हो जाता है, बहुत आसान है इनको लगाना। फ्लावरिंग प्लांट अगर आपको अपने गार्डन में ऐड करनी है तो आप गुलदावरी का प्लांट जरूर लगाइए। एक बार लगाने के बाद ये प्लांट आपके गार्डन में साल भर रहता है, और अगले साल जब ये आपके गार्डन में फ्लावरिंग करेगा तो इसमें बहुत सारी बंचेस में इसकी जड़ें फैल जाती हैं, पूरा गमले को ये कवर कर लेगा। अभी तो ये सिर्फ एक सिंगल ब्रांच है, लेकिन कुछ दिनों में इसके नीचे से जड़ें फूटकर निकल जाती हैं अपने आप ही, और ये बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। इसको डिवाइड करके भी आप दूसरे पॉट में लगा के नए प्लांट 2 से 4, 4 से 8 बना सकते हो। तो गुलदावरी का प्लांट एक बार अगर आप ऐड करते हो गार्डन में, ये कभी नहीं मरता है, बस इसमें फ्लावरिंग सर्दियों में ही होती है, और जब होती है तो साल भर की कसक पूरी कर देता है ये पौधा, इतने सारे फ्लावर इसमें एक साथ खिलते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी गार्डनिंग।